राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी के नेतृत्व में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा इलाके की जनता ने क्षेत्र में पानी की कमी के चलते भारी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार की नाकामियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान सांसद रमेश भिदुड़ी ने कहा कि क्या दिल्ली में रहने वाले बहन भाइयों को केजरीवाल की करतूतों से यूं ही मरने दिया जाएगा। पानी जीवन है और पंचतत्व से ये शरीर बनता है जिसमें एक तत्व पानी है, लेकिन पैसे के लालच में उस पानी में कैंसर का जहर घोलकर केजरीवाल दिल्ली वालों को पिला रहे हैं। भिदुड़ी ने कहा कि जो 950 एमसीडी पानी ट्रीट होकर दिल्ली वाले पी रहे हैं वो जिस पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट हो रहा है उससे कैंसर होता है। ट्रीट फिटकरी से होना चाहिए लेकिन वो महंगा है, तो उसी रेट पर फिटकरी से ना कराकर पीएसी से कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जब ये पाया तो केजरीवाल से कहा, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगे। अगर वे ईमानदार है तो उसके ज्वाइंट जाँच के लिए केंद्र ने 32 अधिकारी भेजे थे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी नहीं दिए। भिदुड़ी ने आगे बताया कि केजरीवाल ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा, क्योंकि कोई मरेगा तो कह देंगे मंत्री चोर है और मंत्री को हटा देंगे। पानी को ट्रीट करने के लिए 3 प्रणालियों से होकर गुजरना पड़ता है, उसमें से एक है गैस डिगेस्टर सिस्टम। उसमें पंखा घुमाकर बिलों पर पानी साफ करते थे, उससे गैस भी बनती थी जो लोगों को घरों में चूल्हे जलाने पर सस्ती पड़ती थी, लेकिन कमीशन के चक्कर में बीच के सिस्टम को ही समाप्त कर दिया।